अस्सलामुअलैकुम, पंजाब सेफ सिटी 30 टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा आवान। नाजिन, आज हमारे साथ जो सीएसपी ऑफिसर मौजूद हैं, उनका ताल्लुक है 48 कॉमन में और यूटी से है, मतलब अंडर ट्रेनिंग है, डिफरेंट ग्रुप से आए हैं, डिफरेंट तरह के एक्सपोजर है, और आज उन्हें पंजाब सेफ सिटी 30 की वर्किंग के बारे में बताया जाता है, किस तरह काम करती है, किस तरह क्राइम को कंट्रोल करती है। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या रिव्यूज़ हैं और वो अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करते हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहिला इकबाल। राहिला, कौन से ग्रुप से है? मैं पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से हूँ। अच्छा, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान क्यों चूज़ किया? बड़ा मुश्किल ग्रुप है। पता था कि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में किस तरह की सर्विस दी जाती है? मुझे सारा अंदाज़ा था कि किस किस्म की ये सर्विस है, एंड मैं चाहती थी कि जो है ना वो फीमेल्स इसमें इंक्लकेट हों। इस वजह से वैसे भी हमारे जो है ना वुमेन एम्पावरमेंट बहुत कम है, और ये ऐसा ग्रुप है जहाँ पर फीमेल्स बिल्कुल भी नहीं आती हैं। तो मेरा सिर्फ ये मकसद था कि मैं जो है ना इसको ज्वाइन करूँ, एंड ये शो करूँ कि फीमेल्स भी इस फील्ड को ज्वाइन कर सकती हैं। एंड सेकेंडली, हमारी 50% आबादी है, एंड फीमेल्स को इस तरफ लाजमी आना चाहिए। अच्छा, रहीला कौन से शहर से बिलोंग करती हूँ? मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए? यस। अच्छा, पहले तो एक क्वेश्चन करते हैं इंफॉर्मेशन का, कि आपने ये कहा कि पुलिस जो है वो फोर्स के बजाय सर्विस बन रही है, और वुमेन एम्पावरमेंट भी इसके बारे में शो होती है, काफ़ी लड़कियाँ जो है वो बाई चॉइस आ रही हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? और दूसरा फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी बाद में। एक्चुअली फीमेल्स इसकी तरफ इसलिए भी ज़्यादा आना चाह रही हैं क्योंकि अब ट्रेंड काफ़ी चेंज हो रहा है, हमारी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करी है। अभी फुली तौर पे नहीं करी, लेकिन मोस्टली अब किया जा रहा है इसको एक्सेप्ट। तो इस वजह से जो है ना हमारी एम्पावरमेंट पुलिस में ज़्यादा है। पहले हम अगर 10 साल बैक चले जाएँ तो ऐसा इतनी हमारी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, तो एक्सेप्टेंस की वजह से भी है। एंड सेकेंडली, फीमेल्स इसको जो है अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एंड अपने जो है ना वो किरदार से इसको अच्छा तरीके से जो है ना वो साबित कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमना कलीम। आमना, कौन से ग्रुप से हो? पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। ना, CSS में सबसे पेपर जो मुश्किल था वो कौन सा लगा था? SA का। क्यों SA क्यों मुश्किल लगता है सबको, इसकी क्या वजह है? क्योंकि जब भी आप किसी से गाइडेंस लेते हैं CSA की, तो वो यही कहते हैं कि CSS के लिए अगर आप एक पेपर पास कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, और अगर नहीं करेंगे तो आपका फेल हो जाएगा, और इसमें 97% फेल रेशो भी है, तो इसलिए फिर डर लगता है। तो कौन सा SA अटेम्प्ट किया था आपने? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। तो इसके अलावा क्या आप पैगाम देना चाहेंगी कि जो लोग कहते हैं कि SA का पेपर बहुत मुश्किल होता है, वो वाकई मुश्किल है या बस बातें बनी हुई? मेरे ख्याल से बातें ज़्यादा बनी हुई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आपको कहते हैं कि आपने आधे घंटे के अंदर आउटलाइन बनानी है, और मैंने जो अपनी आउटलाइन बनाई थी वो कोई 1 घंटा और 50 मिनट में सिर्फ मैं आउटलाइन ही बनाती रही थी। तो बाद में डर नहीं लगा कि आप वैसे भी तो लिखना है? लेकिन क्योंकि वो मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर कभी कोई मॉक दिया नहीं था, तो वहाँ पर बैठ के जब मैंने बनाया तो इतना अच्छा मेरे दिमाग में बैठ गया था कि फिर मेरा पेन रुका नहीं। तो ये सारी बातें, अगर आप अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखें तो आप यू विल बी गुड टू गो। अच्छा, प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी थी? अभी आपने मुझे मॉक का किया कि मॉक इंटरव्यू, मॉक टेस्ट और मॉक पेपर्स देना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है ये CSS क्लियर करने के लिए?
मैंने तो किसी ऑप्शनल्स के मॉक तो नहीं दिए थे, लेकिन जो मेरे जो एसए का था उसका मैंने दिया था। हमारे 14 फरवरी को हमारा पेपर था, तो मैंने हर अल्टरनेट डे पे दिया था, 1 फरवरी को, 3 फरवरी को, हमारे एक सीनियर होते थे तो उनसे मॉक टेस्ट दिए थे मैंने। मुझे बताएं कि सेफ सिटी आके कैसा लगा? बड़ा देखते हैं जिद्दत, जिस तरह क्राइम जो हमारे क्रिमिनल्स हैं वो बड़े जिद्दत इख्तियार कर गए हैं, बड़े जदीद किस्म के क्राइम्स होते हैं, इसी तरह पुलिस ने भी अपने आप को जदीद कर लिया, इस बारे में क्या कहें? बहुत अच्छा लगा, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अक्सर जब आप आते हैं तब आपको चीज़ों का आइडिया होता है, क्योंकि लोगों की परसेप्शन शायद ये है कि पुलिस काम नहीं कर रही, लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं और उन्हें प्रॉपर हमें प्रेजेंटेशंस दिखाई हैं और हमें क्लिप्स दिखाए हैं, उससे हमें पता चला। और ख़ासतौर पर ये जो इन्होंने वुमेन सेफ्टी की पूरी ऐप बनाई है, इसका हमें भी आइडिया नहीं था, तो इतने ज़्यादा हम इन चीज़ों को लेके हमें आगाही नहीं होती, तो आई थिंक इट वॉज़ वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि आज हमें इन सारी चीज़ों का पता चला और हमें लगा कि पुलिस वाकई में काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? डॉक्टर अरफा शाहिद। अच्छा अरफा, डॉक्टर बनके सीएसएस करने का ख्याल कैसे आया? बस आई वांट टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर। ओके, सेफ सिटी आके कैसा लगा? कुछ टेक्नोलॉजी भी बड़ी जदीद हो गई है, 4G LTE पे काम कर रहे हैं, कुछ फील करती है अपने आप को सेफ आप? हाँ, क्योंकि हमने जो वुमेन ऐप के बारे में पढ़ा था अभी यहाँ पे प्रेजेंटेशन में भी देखा, वो बहुत इंप्रेसिव था, बिकॉज उससे डिफरेंट कॉन्टेक्स को जस्ट वन क्लिक पे आपकी इन्फॉर्मेशन चल जाती है और लाइव लोकेशन चल जाती है, तो दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव। और क्या मैसेज देना चाहेंगे सीएसएस के हवाले से जो लोग कर रहे हैं? यही कि स्टे डिटरमिंड एंड बस एक गोल के ऊपर फोकस रखें एंड इंशाल्लाह यू विल हैव इट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शब्बीर जैदी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? रावलपिंडी। अच्छा, सेफ सिटी आके कैसा लगा आप? बहुत मज़ा है, बहुत एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्लियरली नज़र आ रहा है कि दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एंड आई हैव बिग होप्स, इंशाल्लाह ये सिस्टम ना सिर्फ पंजाब में आगे जाएगा बल्कि पूरे मुल्क में, बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ द फ्यूचर। अच्छा, कौन से ग्रुप से हैं? इनलैंड रेवेन्यू। अच्छा, उसके बारे में बताइएगा कि उसमें आप जब जाएंगे किस तरह रिफॉर्म्स लेके आएंगे, या क्या रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं, या किस तरह आप इफेक्टिवली वर्क करेंगे? बेसिकली इनलैंड रेवेन्यू का काम है टैक्स कलेक्शन, वी सर्व विद द FBR, सो बेसिकली हमारा इशू ये है कि हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है और हमारी टैक्स कलेक्शन इज पुअर, एंड टू स्पेंड मनी गवर्नमेंट नीड्स टू अर्न मनी, सो वी बेसिकली नीड टू इंक्रीज आवर रेवेन्यू, दैट्स व्हाट वी वुड बी वर्किंग ऑन इन फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफताबुल्लाह है। अफताब, कौन से ग्रुप से हैं? मैं फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान क्यों सिलेक्ट किया? ज़्यादा दुनिया घूमने का शौक था या बिल्कुल पाकिस्तान में पाकिस्तान सेंट्रिक होकर सोचा था कि इसका जो इमेज है वो पूरी दुनिया में अब पॉजिटिव करूँगा? बिल्कुल, यही मोटिवेशन थी क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ, मेरी जॉब भी बाहर थी, तो यही मतलब मैं देखता रहता था अपने डायस्पोरा को, तो यही मोटिवेशन थी और अभी आगे भी यही इरादा है कि मतलब कुछ ना कुछ बेहतर उनके लिए हम कर सकें। सेफ सिटी आके कैसे लगा? 4G LTE टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, क्राइम को किस तरह कंट्रोल किया हुआ है, इसके बारे में क्या कहें? आई मस्ट से कि उन्होंने काफ़ी मतलब हमें तो वी आर अमेज्ड, हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट दे हैव मतलब इंटीग्रेटेड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड इट इज़ रियली अमेजिंग और इट विल डेफिनेटली हेल्प। जी नाज़िन, अब हमारे साथ जो हैं फैकल्टी मेंबर हैं सिविल सर्विसेज अकेडमी के, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? सैयद शबीर अकबर जैदी। जी सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाइएगा अपना। जी, आई एम द फैकल्टी मेंबर ऑफ सिविल सर्विस अकेडमी। वी हैव विजिटेड सेफ सिटी अथॉरिटी स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट एक्सपोजर स्पेशली दी आवर द यंग ऑफिसर्स ऑफ द डिफरेंट कैडर्स एंड ग्रुप्स, खसूसन फॉरेन सर्विस, कस्टम सर्विस, IRS, OMG, PAS एंड पुलिस ऑफिसर्स। सर आपके पास सारे आते हैं ग्रुप के, बच्चे भी बच्चियाँ भी, लड़के लड़कियाँ दोनों, सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना किससे मुश्किल होता है और सबसे ज़्यादा पैशन जिसमें कहते हैं ना, इनमें बहुत जज्बा है काम करने का, किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? आई थिंक ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से तमाम यंग ऑफिसर्स हैं जो भी जिस भी कैडर से ग्रुप से आते हैं और एक थ्रू आउट कम्पिटेटिव प्रोसेस के बाद आते हैं, यकीनन सब होते हैं बड़े इंथोजिस्टिक होते हैं, पब्लिक सर्विस को खसूस इनको ऑप्ट किया है डिफरेंट सर्विसेज में, नॉर्मली इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इरिस्पेक्टिव कि कौन सा ग्रुप है, बेसिकली इन लोगों ने आगे पब्लिक सर्विस में रोल अपना प्ले करना है और इफेक्टिवली और एफिशेंटली। एज वी विजिटेड ओवर हियर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक सेफ सिटी अथॉरिटी जो है एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है,
जो कि पॉसिबल नहीं था इस तरह की पब्लिसिटी जो सीम्स टू बी एज द कॉरपोरेट जैसे कल्चर यहाँ दिखाई दे रहा है, और मेरे ख्याल से ये एक रेवोल्यूशनरी कहते हैं चेंज यहाँ है, नॉट द रिफॉर्मेशन। हाउएवर मैं अपने खसूसन 4 to 5 years में देखता हूँ तो ये रिफॉर्म्स आई हैं पुलिस में, लेकिन काफ़ी हद तक तेज इतनी तेज़ी से चेंज आई हैं कि ये ऑलमोस्ट रेवोल्यूशनरी। तो हमारे आने का पर्पज़ यही है कि इन बच्चों को एक्सपोजर देना इस अथॉरिटी का, कि ये भी अपनी चाहे वो एज ए IRS ऑफिसर वर्क करें, चाहे पुलिस ऑफिसर, चाहे अपने OMG ऑफिसर किसी अपने डेस्क पे काम कर रहे हों, या एज ए PAS ऑफिसर कहीं पर अपने एज ए AC असिस्टेंट कमिश्नर, लेकिन वो नई नई इनोवेशंस के जो है ना बेनिफिट लें। और जिस तरह ये चीज़ें चेंज हो रही हैं डे बाई डे, और यकीनन अब वो दौर नहीं रहा कि भाई अब सर्दियाँ और क्या कहते हैं ईयर्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर चेंज के लिए, अब तो डे टू डे चेंज है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल इफेक्टिव क्लास है जो इन चेंज को जो होते हैं फौरी अडॉप्ट भी कर सकते हैं और अडेप्ट भी कर सकते हैं सोसाइटी की नॉर्म्स को रखते हुए। सर, पाकिस्तान को ब्यूरोक्रेसी चला रही है, ब्यूरोक्रेसी को आप पढ़ाते हैं, मतलब आप उन्हें चलाना सिखाते हैं, आप उनके टीचर हैं, आपके ऊपर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं कि किस तरह ये फ्यूचर में काम करती है? अच्छा, बेसिकली अब वो जो कॉन्सेप्ट जो था ना टीचिंग और लर्निंग वाला, वो नहीं रहा। आप तो कहीं ये हमें लर्न कर रहे होते हैं। बेसिकली अब आप देखिए कि एक लर्निंग जो है ना ये टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है। सेकंड नंबर पे होता है इन लोगों को हमने बेसिकली मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए अपने जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका एक्सपोजर देना होता है। हमारा बेसिकली कंपोनेंट जो है एक तो नॉलेज कंपोनेंट है जो हमें वहाँ पढ़ाते हैं जो मुख्तलिफ कोर्सेज की फॉर्म में, इसके अलावा सेकेंड का हमारा स्किल कंपोनेंट है और एटीट्यूडनल कंपोनेंट है। उसके लिए बेसिकली इनको मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करना, कम्युनिटी वर्क करवाना, सिंडिकेट रिसर्च करवाना, अलॉन्ग विद इनको मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में लेके जाना ताकि इनको आइडिया हो कि किस तरह फिर उसके मुताबिक कि अपने आप को अडेप्ट करें। तो अब वो जो ये है कि भाई मैं कैसे या मतलब टीचिंग लर्निंग के हवाले से तो मे बी आई विल गिव वन द ऑस्पेक्ट नॉट द अदर, क्योंकि इसमें डिफरेंट इन्वॉल्व है। तो एक ट्रेनिंग एजुकेशन से थोड़ी एक डिफरेंट चीज़ है कि ट्रेनिंग के थ्रू जो होते हैं हम थ्रू आउट जो होते हैं ना इनकी बाकायदा तौर पे ग्रूमिंग कर रहे होते हैं कि लाइक एंड ये जो पब्लिक सर्वेंट के तौर पे एक्ट करें, ना कि कॉलोनियल ऑफिसर के तौर पे।